अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा सॉन्ग लेके आई हूँ, तो देखते हैं सॉन्ग। ये सॉन्ग परंपरा टंडन का है और नूरा तो वैसे ही बहुत अच्छा, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी लुक और वो दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो देखते हैं नूरा की। नूरा बहुत स्वीट सी पर्सनैलिटी के साथ आती है, बहुत स्वीट सी पर्सनैलिटी है। टीवी वो एक जो मुस्कुराहट होती है उसके चेहरे पर, तो इसमें मे बी थोड़ा अलग है। तो देखते हैं साथ में, फिर आप व्यू देते हैं इसके ऊपर। सो गाइज, आपने देखा कि वो लड़की खुद ही थी और ये एक रिवेंजेबल सॉन्ग था कि उसकी जो स्वीट सी पर्सनैलिटी होती है नूरा की, तो ये तो उसके बिल्कुल अपोजिट था। मतलब बिल्कुल ही स्ट्रेंज, एक अलग, उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे और इसका कहना चाहूँगी मैं लिरिक्स जो है वो बहुत अच्छा था। लिरिक्स मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा लिरिक्स आया था जिसके कुछ मिल रहे थे, उसके जोड़ तोड़ कुछ मिल रहे थे, ऐसे अच्छे थे। ऐसे नहीं था जैसे बेतु का गाना कोई भी गा देता है, ऐसे नहीं थे। मतलब वो एक रैप सॉन्ग तो बिल्कुल नहीं था, ये तो एक बहुत अच्छा सॉन्ग था और इसके प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। और लड़की ने एक बात ये है कि लड़की ने बहुत अच्छा वो दिया था कि हर स्टेप के साथ वो जो जो बोल रही थी उसके साथ वो स्टेप करके दिखा रही थी। डांस बहुत अच्छा था, प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी, ड्रेसिंग उसकी और ज्वेलरी, इसमें इससे बहुत अच्छी ज्वेलरी उसकी है। मतलब हर जगह पर उसने ज्वेलरी, डिफरेंट ज्वेलरी उसकी। और सिंपली के कैसे मतलब उसको चीट किया, तो अगेन उसने फिर उसको, खैर अच्छा सॉन्ग था और इसके लिरिक्स मुझे काफ़ी पसंद आए। इसकी प्लेसमेंट, लड़की की ज्वेलरी, एवरीथिंग बहुत अच्छा था, मैंने इन्जॉय किया। आई होप सो आपने भी किया होगा। और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।